जय माँ। ऐसा अद्भुत विषय है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। हृदय भर आता है माँ श्री अरविंद के एज इनकारनेशन ऑफ डिवाइन लव। प्रेम की महिमा बहुत पुरानी है, हमारे शास्त्रों में इसकी बहुत बात हुई है। एक मिस्टिक पोएट, आध्यात्मिक चेतना से अभिभूत कवि कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। खूब किताब पढ़ लिए लेकिन किताब पढ़ने से पंडित नहीं बनते, फिर कैसे बनते हैं? तो कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम हिंदी में लिखते हैं तो 2.5 letters, जो इसको पढ़ लेता है वह पंडित होता है। ऐसा क्या है इसमें कठिन प्रेम के बारे में? प्रेम हम सब जानते हैं, हम सब किसी न किसी रूप में किसी से प्रेम करते हैं, बिना प्रेम के संसार नहीं है, ये सब हम जानते हैं। फिर इसमें कठिनाई क्या है? और देखा जाए तो एक बार हम देखें, अगर संसार में हर बार जब भगवान आते हैं किसी न किसी रूप में वो प्रेम को ही धरती पर स्थापित करना चाह रहे हैं। वो कहानी प्रेम की जो अधूरी लिखी जाती है हर बार हर युग में, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी, ट्रोजन वार की कहानी, अनेकों अनेकों कहानियां अगर हम गहराई से देखें तो प्रेम की कहानी है। रामायण क्या है? माँ जगत जननी धरती के अंदर भूमिजा बन के जड़ तत्व में समाहित होकर पार्थिव प्रकृति को धारण कर लेती है, क्या ये प्रेम नहीं है? और वहीं श्री राम डिवाइन सोल, वो मानव रूप धारण करके, ताकि अगर इन दोनों का मिलन हो जाएगा तो ये संसार अति सुंदर हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। किंतु इन दोनों के मिलन के बीच में एक ओर असुर खड़ा है, दूसरी ओर मनुष्य खड़ा है। आसुरी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति, वो नहीं चाहती है कि मिलन हो। प्रेम क्या है? प्रेम वो शक्ति जो जोड़ती है, सारे तारे नक्षत्रों को जोड़ने वाली शक्ति कौन सी है? प्रेम है। पत्थरों के अंदर ध्वनि, पत्थरों के अंदर पत्थरों को गढ़ने वाली, जड़ तत्व को निश्चेतना से निकालने वाली शक्ति कौन सी है? प्रेम की है। किंतु इस प्रेम का जो उच्चतम स्वरूप है वो स्वरूप है जड़ तत्व को भगवान से जोड़ देना। हमारे मन के अंदर मन ने इसको विभक्त करके रखा है, भगवान वहां है, संसार यहां है, ये दोनों अलग अलग हैं। भगवान को प्रेम करोगे तो संसार को छोड़ना पड़ेगा, और संसार को प्रेम करोगे तो भगवान को छोड़ना पड़ेगा। तो आप देखिए चुनाव कितना कठिन होता है। हम लोग कहीं ना कहीं दोनों चाहते हैं, ना संसार छूटता है ना भगवान छूटते हैं, तो फिर इन दोनों का समन्वय कैसे हो? वहां हम देखते हैं कि दिव्य प्रेम, माँ श्री अरविंद की लीला को जब हम पढ़ते हैं तो एक बात बड़ी सुंदर दिखती है, और माता जी कहती भी हैं कि श्री अरविंद ये संसार को क्या बताने आए हैं, टीचिंग का सार क्या है? तो कहती हैं वन नीड नॉट लीव द वर्ल्ड टू फाइंड गॉड। हमको भगवान को पाने के लिए संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। वन नीड नॉट एंटर इन टू लिमिटेड रिलेशन विद द डिवाइन टू फाइंड हिम। लिमिटेड रिलेशन मतलब जो रिलीजियस रिलेशन है, फिलोसॉफिकल, ये पक्ष वो पक्ष नहीं। किंतु फिर भी हम लोगों को क्यों नहीं मिलते भगवान? माता जी कहती है क्योंकि वी डू नॉट केयर टू फाइंड हिम। कहीं ना कहीं ये पूरी सृष्टि को अगर हम देखें, अब तक जो विकास क्रम जो कुछ हुआ है सब कुछ प्रेम की कहानी है। कौन से प्रेम की? माता जी बताती हैं कि इट इज ट्रू दैट कॉन्शियसनेस इज द क्रिएट्रिक्स ऑफ द यूनिवर्स,
चेतना ने, चेतना मतलब भगवान का ज्ञान और शक्ति, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमता, उसने ये संसार को बनाया है, रचना की है। इस संसार के कण कण के पीछे एक नॉलेज है और एक पावर है। ये तो एक बेसिक चीज है जो हम सब जानते हैं। अणु अणु के अंदर वो व्याप्त है। माँ कहती कॉन्शियसनेस इज बिल्ड द वर्ल्ड बट लव इज इट सेवियर। प्रेम है जो इस संसार को बचाता है। कौन सा प्रेम? यहां तक श्री अरविंद सावित्री में कह देते हैं, कहते हैं कि लव मस्ट नॉट सीज टू लिव अपॉन द अर्थ। लव इज मैंस लीन ऑन द एब्सोल्यूट। कितना भी डिफॉर्म हो जाता है, बिल्कुल कैसे कैसे रूप धारण करता है, घृणित रूप भी धारण कर लेता है, अंधकार से आत्मसात हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रेमी वो शक्ति जो इस संसार को बचा सकती है। माता जी भी ये बात कहती हैं एक जगह कि द ट्रांसफॉर्मिंग पावर इज विद लव, और वो कंपेयर करती हैं पावर ऑफ प्योरिटी को और पावर ऑफ लव को। प्योरिटी डिस्ट्रॉय करती है वापस बनाने के लिए। प्योरिटी क्या करेगी? अगर सोने के अंदर खोट है और आप चाहते हैं कि मुझे 100% 24 कैरेट का चाहिए, तो वो पूरा जो आपका गहना है उसको गला देगा, वो सुनार एक नए ढंग से बनाएगा। प्योरिटी की पावर चीज़ों को, मूल को तो कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसके रूप आवरण सब नष्ट करके मूल से फिर से कोई नई चीज बनाएगी। लेकिन प्रेम, प्रेम बिना नष्ट किए हुए रूपांतरित करता चला जाता है। इट इज ए पावर दैट कैन ट्रांसफॉर्म विदाउट डिस्ट्रॉइंग। हम मानव जीवन में भी इसका अनुभव करते हैं। आप कितने भी उपाय कर लो किसी को बदलने के लिए, लेकिन यदि जीवन में कुछ क्षण कोई बदलता है थोड़ा सा, तो प्रेम के द्वार से ही बदलता है। कुछ दिनों का प्रेम होता है और वो बिल्कुल आप देखिए हाव भाव चाल सब बदल जाता है। लेकिन जैसा सावित्री में पढ़ा श्यामा दीदी ने, द हार्ट्स दैट यर्न आर गिवन 1 hour टू लव। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान को पसंद नहीं है कि हम लोग प्रेम से जिए? ये अक्सर लोग कहते हैं कि ये प्रेम तो इतनी सुंदर चीज है, क्यों ऐसा होता है, रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता? तो हम लोग दोष भगवान को दे देते हैं या संसार को दे देते हैं या समाज को दे देते हैं। लेकिन श्री अरविंद इसका मूल कारण, टिक नहीं पाता, लव मूव्स इन अस एज ए वांडरिंग गेस्ट, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि प्रेम क्या है, प्रेम का आदर सम्मान कैसे करना है। ये नहीं कि प्रेम सम्मान चाहता है, किंतु हम जानते ही नहीं कि प्रेम क्या है। हम मानव प्रेम इमीडिएटली, और मानव प्रेम में भी माता जी कहती हैं कि यदि एक बूंद चैत्य भाव जुड़ जाए तो मानव प्रेम की भी कहानी बहुत सुंदर हो जाती है। ऐसी कहानियाँ हैं हमारे, अगर हम पढ़ते हैं अपने इतिहास को। तो क्या क्या कारण है कि ये प्रेम टिक नहीं पाता? प्रेम के चारों तरफ हम लोग भक्ति से परिचित हैं, तो फिर ये क्यों ऐसा होता है? इसमें डिवाइन लव मां श्री अरविंद इनकार्नेट कर रहे हैं, इसमें नई बात क्या है? प्रेम के तो अवतार हुए हैं यहां पर, ऐसा हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम का जो मूल स्वरूप है वो है स्वयं को पूरी तरह दे देना। प्रेम में कोई हाफ वे चीज नहीं होती है, इतना दे रहा हूं उतना नहीं दे रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं, प्रेम ऐसा नहीं है। एक और किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, मिस्टिक पोइट है, कहता है प्रेम के घर में बैठने के लिए एक प्राइस टैग है। आप अंदर जाएंगे ना, एंट्री पास चाहिए। एंट्री पास क्या है? तो कहता है एंट्री पास वहां पर प्रेम के घर में बैठने के लिए आप ये नहीं बोल सकते मैं इसका बेटा हूं, मैं इतना महान हूं, मैंने ये देखो, मैंने प्रेम पर थीसिस किया है, PhD किया है, नथिंग। ये तो घर है प्रेम का, मौसी का घर नहीं। तो कैसे अंदर जाना है? क्या है गेट पास? शीश कटाए भूमि धरे तब बैठे घर में। शीश ईगो, इसको काट के बाहर छोड़ दो, आ जाओ प्रेम के घर में बैठ जाओ।
यही तो माँ काली कहती है, वो प्रचंड प्रेम की देवी हैं। शेरविन बताते हैं महाकाली इज द गॉडेस ऑफ इंटेंस लव, रैप्चरस लव। कैसे वो प्रेम जताती हैं? हमारे अंदर जो बाधाएं हैं जिससे हम जुड़े हैं, अटैच्ड हैं, नहीं नहीं माँ ये तो रहने दो, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको, थोड़ा दिन रहने दो, एक क्षण में निर्मूल कर देती है। कितने लोग हैं जो तैयार हैं इस तरह के निर्मूलन के लिए? हमको भगवान चाहिए, लेकिन साथ में वह सब भी चाहिए जो भगवान का विरोध करता है। ये समस्या है हमारी। तो जब तक ये जो विरोध करता है हमारे अंदर, कोई चीज रेजिस्ट करती है, उसका इलाज नहीं होता, तब तक भक्ति आएगी, कुछ देर हमको उन्माद देगी, थोड़ा भजन कीर्तन होगा। श्री अरविंद समर्पण की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, लेकिन कभी आप नहीं देखेंगे कि कोई श्री अरविंद के ग्रुप में भजन कीर्तन डांस नाच गाना कुछ नहीं हो रहा है। तो लोगों को लगता है ये लोग थोड़े सूखे सूखे लोग हैं। ऐसा नहीं है, ये भ्रांति है बहुत बड़ी। और दूसरा लोग समझते हैं प्रेम मतलब भगवान का प्रेम क्या है? भगवान का प्रेम है मनुष्य की सेवा करना। फ्री हॉस्पिटल चला दीजिए, फ्री स्कूल चला दीजिए, फ्री 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 का कल्चर तो खैर बहुत ही ज्यादा है हमारे यहाँ। तो आप कुछ कर रहे हैं तो ये मनुष्य को प्रेम ही, यहां तक कह दिया किसी ने नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। लेकिन माता जी क्या कह रही हैं अपने संस्मरण में? कह रही बाई सर्विंग ट्रूथ, ये तो हम लोग सुने ही नहीं थे। सत्य की भी सेवा होती है, और सत्य की सेवा हम करेंगे तो भागवत प्रेम का संचार होगा। ये तो हमने कभी, ये लॉजिक श्री अरविंद से दिलीप कुमार रॉय तो बड़े वैष्णव उससे प्रभावित थे, तो कहते हैं ये आपका जो योग है ना ये बहुत ड्राई लगने लगता है, इतना फिलॉसफी इतना सब कुछ आप क्यों ये सब कर रहे हैं? देखिए श्री कृष्ण को आगे प्रेम की बात करके चले गए। अगर श्रीमद भगवद गीता देखें तो कल्मिनेशन उसका लव है। तो श्री अरविंद कहते हैं हाँ हाँ हम भी वही करने आए हैं जो श्री कृष्ण करने आए, उन्हीं के कार्य को हम आगे ले जा रहे हैं। तो फिर लेकिन हमने ये देखा है अपने अनुभव से कि यदि प्रेम को सत्य का आधार नहीं मिलेगा तो वो प्रेम के मार्ग पर चलने वाला बुरी तरह फिसल के कहाँ गिरेगा उसको पता नहीं चलेगा। और ये हुआ है, हम सब जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ट्रेडिशन हुए भक्ति के जहां ऑल लव बिकम्स ऑल लस्ट। तो पहली चीज, फिर उन्होंने एक बार पूछा, बोला आपके आश्रम में लोग ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे से कोई दोस्ती नहीं, जरा सीरियस सीरियस घूम रहे, तो ऐसा क्यों लगता है? आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है? श्री अरविंद कहते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी, फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, सिंपैथी आर इंडिस्पेंसिबल नोट्स इन द टोटल हार्मनी दैट वी सीक। कहते मना, ये तो इसके बिना तो अपूर्ण है सारा संसार। फिर वो कहते लेकिन हम इसको एक ऐसे मजबूत आधार पर रखना चाहते हैं ताकि ये उस पर प्रेम का घर खड़ा हो सके। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हमने ये देखा है कि मानव प्रकृति अभी जो उसका आधार है, बेस है, तो उसके अंदर बहुत जल्दी प्रेम आता है, कुछ देर के लिए चला जाता है और अपोजिट में भी चेंज हो जाता है। कितनी कहानियां हैं, भारतवर्ष में इतना नहीं होता है क्योंकि हम लोग त्याग तपस्या की भूमि है ना, तो हम लोग निभाना जानते हैं, हम लोग प्रेम करते हैं, निभाते हैं, चाहे अंदर में प्रेम चला गया लेकिन कोई बात नहीं, ड्यूटी है ये हम लोग का नेचर है, और बहुत अच्छा नेचर है, ये अच्छी बात है। हम लोग त्याग तपस्या की भूमि से उपजे हैं तो हम लोग चीज़ों को लेके चलते हैं साथ में। लेकिन बाकी देखिए कैसे, आज आया कल गया, टाटा बाय बाय, यही हो रहा है ना, हाय एंड बाय।
ये क्योंकि नहीं रुकता हमारे यहाँ भी वो प्रेम नहीं रहता है जो एक प्रारंभ में, लेकिन वो धीरे 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 हम लोग ये है कि चलो चलने दो, लेट्स बी टुगेदर, ये हम लोग की कल्चर में है, संस्कृति है हमारी और ये रहनी चाहिए, बहुत सुंदर है ये अपने आप में, एक तपस्या है प्रेम की। तो चूंकि हमने ये देखा है कि वो प्रेम टिक नहीं पाता, इवन भगवान के प्रति जो भक्ति मूर्ति है उसमें भी देखिए क्या कैसा प्रेम बन जाता है, विरह, वेदना, अभिमान, राग, ये सारी चीजें, द्वेष भी आ जाता है प्रेम में। माताजी ने उसको ज्यादा टाइम क्यों दिया, माताजी ने उसके साथ तो स्माइल कर रही थी, मैं जब गया तो माँ सीरियस थी, मैंने कुछ पाप किया है क्या, माँ मुझसे क्रोधित हैं क्या, ये देखिए सारे पास में जो थे उनके प्रश्न है श्री अरविंद को। क्योंकि जब तक हमारी चेतना जो अभी है अज्ञान में, उसमें प्रेम या तो उतरेगा तो विकृत हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, कुछ क्षणों के लिए रहता है, बहुत जल्दी ईगो आ जाती है। प्रेम कैसे प्रारंभ होता है, तू माने जो प्रेम करता है दूसरे को, वो उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में सब करना है, तू। थोड़े दिन बाद क्या होता है, मैं और कुछ दिन बाद क्या होता है, तू मैं सुना होगा कुछ दिन बाद ही हो जाता है ये प्रेम का ये। तो श्री अरविंद इसीलिए वो कहते हैं कि आई डो नॉट वॉन्ट टू गिव सैंक्शन टू द ओल्ड फियास्को। ओल्ड फियास्को क्या है, यही है भक्ति होती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका जो भगवान आप मुझसे मिल क्यों नहीं रहे हो, ये सारी चीजें आती हैं, बड़े बड़े भक्तों में आती हैं। किंतु श्री अरविंद के योग में जो समर्पण है क्या अद्भुत है। पहले और ये समर्पण तीन लेयर पे चलता है, भगवान से प्रेम तो पूरी तरह स्वयं को उनको दे देना, पहला तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि गिव वन सेल्फ टू द डिवाइन। ये भक्ति किसी किसी में देखी गई है पुराने उसमें, इसको साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, माताजी बताती हैं कुछ एक संत हैं जिन्होंने, और वो अपने को दे देते हैं और प्रश्न नहीं करते हैं। उस देने का मतलब ही यही है कि अब मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे साथ क्या करोगे क्या नहीं करोगे। बेबी कैट एटीट्यूड सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बेबी कैट प्रश्न नहीं करती मम्मी कहाँ ले जा रही हो, क्यों ले जा रही हो, मुझे धक्का क्यों दे रही हो, जो कुछ भी होता है। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं लोगों के जीवन में। श्री अरविंद माता जी स्वयं जब हम देखते हैं उनको, तो कैसे उनको अगला खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उनका पूरी तरह भगवान में श्रद्धा समर्पण है, लेकिन साथ में सरेंडर टू द डिवाइन एंड टू द डिवाइन वर्क। मतलब भगवान से समर्पण में हम ये नहीं कि अब हम संसार छोड़ के भगवान में रम जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, हम भगवान के हैं लेकिन हम यहाँ भगवान के लिए काम करेंगे अनेकों जन्म आके। ये चीज हमको श्री अरविंद माता जी से देखने को मिलती है। और उसके सबसे संपूर्ण उदाहरण स्वयं श्री अरविंद माता जी हैं। किसी ने एक बार आश्रम में आके पूछा किसी से, यहाँ हम कुछ एडवांस्ड साधक लोग से मिलेंगे, आप जरा बताइए, किसी का नाम बताइए। तो एक थे आश्रम में बहुत पहले, जिनको श्री अरविंद अपने पत्रों में लिखते हैं, माँ का नाम ऐसे लिखते हैं, मीरा देवी उनके पत्र हैं, ऐसे MIRA लिखते हैं, वो लिखा हुआ है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि नहीं उनका नाम MIRA है, मैंने कहा हाँ लेकिन यह भी है, ये श्री अरविंद ने लिखा हुआ है। तो थोड़े से क्रैक थे, लेकिन कभी कभी क्रैक लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। तो उनसे किसी ने पूछा, आश्रम में दो लोग ऐसे बताइए जिनमें मतलब मॉडल साधक। तो कहते हैं ठीक है, नहीं बोले कुछ लोग, कहते हैं दो लोग हैं यहाँ पर, मैं बताऊँगा, कान में बताऊंगा, जोर से नहीं बताऊंगा, आप किसी को बताना नहीं, ठीक है। आगे कौन है, कहते हैं दो लोग हैं जिनके अंदर समर्पण की पराकाष्ठा है, श्री अरविंद का माँ के प्रति और माँ का श्री अरविंद के प्रति। और वास्तव में जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो ऐसा अद्भुत, श्री अरविंद जब प्रतीक्षा कर रहे, माता जी उनका भोजन लाती थी,
ये एक ओकल्ट अरेंजमेंट था कई कारणों से, और शेरविंद माता जी को मदर कह के बुलाते थे। तो जब वो कभी 9 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, कभी 1 बज गया है पहला खाना, एक बार तो 4 बज गया, लेकिन शेरविंद के अंदर देखिए समर्पण कैसा, कि ये नहीं कि अरे माँ कहाँ है, अच्छा बिजी होंगी, कोई और देखो थोड़ा सा भूख लगी है, परफेक्ट सरेंडर। पूरे 40 वर्षों में, जब 40 नहीं 20 से 50 30 वर्षों में जब माँ परमानेंटली शेरविंद के साथ रहती हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि कितने बार उन्होंने साथ में भोजन किया होगा? केवल एक बार, चंपकलाल जी बताते हैं। एक दिन माँ कहती हैं कि टोस्ट लाती हैं शेरविंद के लिए, फिर कहती हैं मैं भी यहीं खा लेती हूँ, आई सपोज इट इज़ ऑल राइट। चंपकलाल जी नोट करते हैं, एक बार मात्र मैंने देखा है दोनों को साथ में भोजन करते हुए। तो वो क्या करती थी सब समय? शेरविंद का ही कार्य। और वो कार्य क्या था? अब हम देखते हैं कि दिव्य प्रेम उनका कैसा है। दोनों शेरविंद पांडिचेरी क्यों आते हैं? सब कुछ उनके पास, जो संसार में जो कुछ व्यक्ति मान धन सम्मान शिक्षा के, उसमें हर चीज है उनके पास। साथ में योग में जो हम कल्पना कर सकते हैं, निर्वाण वासुदेवम सर्वमिति, वह भी उनको प्राप्त है, दुर्लभ से दुर्लभ। तो पांडिचेरी वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको प्राप्त है, वो चाहते हैं कि ये मनुष्य को भी प्राप्त हो। ये जो उनका त्याग है, जिसके लिए वो, उनके अंदर जो रूपांतरण की प्रक्रिया चल रही है उसको वो त्यागते हैं, ताकि मैं मनुष्य को कैसे ये सब दूं? कौन करेगा ये? वो चाहते तो एक गीता का योग तो वो जान ही चुके थे, रियलाइज कर चुके थे, वो किसी को भी ये सारी चीज़ें दे सकते थे, एक नया पथ बना सकते थे, मार्ग की। चलो आजकल करते हैं ना लोग गीता का योग, एक नया थोड़ा ट्विस्ट देके गीता फॉर समबडी, और एक नया मार्ग बन जाता है, प्राणायाम की एक नई टेक्निक आ जाती है। ये सब उन्होंने रियलाइज किया हुआ था, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं कुछ मनुष्यों के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सारी धरती की मुझे चिंता है। एक बार किसी ने पूछा कि जो माँ की तरफ मुड़े हैं उनको तो ये सब सुपर माइंड इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है, माँ सब कर देंगी, तो फिर आप सुपर माइंड को उतारने में क्यों लगे हैं? तो कहते हैं उनके लिए जो नहीं मुड़ सकते इस तरह भगवान की ओर। आप सोचिए कौन ऐसे सोच सकता है? उनके लिए बहुत लोग हैं, उनके लिए मैं ये रेमेडी ला रहा हूं इस संसार में, ताकि ये संसार बदले। और कई जगह सावित्री में वो लाइन आती है, जब सावित्री को ऑफर किया जाता है, ये उन्हीं की कहानी है, कि तुम और सत्यवान सतत सर्वोच्च अवस्था में जाके निवास कर सकते हो। तो सावित्री क्या कहती है कि मुझे आप स्वर्ग का प्रलोभन मत दो, वैकुंठ का प्रलोभन मत दो। आई सेक्रीफाइज नॉट अर्थ फॉर हैप्पियर वर्ल्ड्स, मैं पृथ्वी का और मनुष्य का त्याग नहीं करूंगी। और जैसे मैंने तुम्हारे अंधकार को अस्वीकार किया है मृत्यु, वैसे ही मैं तुम्हारे प्रकाश को भी अस्वीकार करती हूं। मुझे तो माई स्पिरिट्स लिबर्टी आई आस्क फॉर ऑल, जो मैंने जीवन में पाया है वो मैं सबके लिए मांगने आई हूं। वही चीज हम देखते हैं शेरविंद सावित्री में, वही उनका भी जब वो जगन माता के द्वार पर खड़े होते हैं, वो भी पढ़ा था आज श्यामा दीदी ने, अबाउट ब्लाइंड फेट एंड द एंटागोनिस्ट पावर्स। तो वो कहती हैं कि तुम वापस चले जाओ, तुमको सब मिल चुका है। कहते नहीं, धरती पर मनुष्य पीड़ा में है, और जब तक मनुष्य पीड़ा में है, मनुष्य सफरिंग में है, तब तक मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। कई बार शेरविंद ये उदाहरण देते हैं कि, और ये बात बताते हैं कि अंतिम त्याग क्या करना पड़ता है एक योगी को, निज के व्यक्तिगत मोक्ष का जो लालच है उसका त्याग करना पड़ता है।
गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हैं, मैत्रेय अमिताभ जो निर्वाण के थ्रेशोल्ड पर वो त्याग करते हैं उसको और वापस चले आते हैं, और किस तरह से उन्होंने, माताजी जब आती हैं तो सब शिष्यों, वो तो ये चाहती नहीं थी कि हम लोग योग करें, वो तो चाहती हैं कि मैं करूं ही सब कुछ, तुम लोग बस खुले रहो। तो जब वो आती हैं सबके डार्कनेस को अपने अंदर आत्मसात करने लगती हैं और अपने चेतना को सबको देने लगती हैं। सूप सेरेमनी होती थी जिसमें वो अपनी चेतना के अंश डाल के खुद सूप पीने के बाद सबको सर्कुलेट करती थी। तो उसके कारण माँ की तबीयत खुद खराब हो गई, क्योंकि वो अपना सब कुछ दे रही हैं, हर बीइंग एंड ऑल शी वाज शी गेव टू मैन, ये उनकी जितना बिना कुछ बिना किसी मापदंड के वो लुटा रही थी और सबके अंधकार को ले रही थी। तो 1926 के पहले की बात है, माँ बहुत सीरियसली बीमार हो जाती हैं, जिसको भौतिक रूप से बीमारी कहा जाए, मरणासन्न मतलब मृत्यु के द्वार पर। तो शेरविंद से किसी ने पूछा, माँ क्यों बीमार हुई हैं? शेरविंद बताते हैं, माँ ने एक बार भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार के सारे कष्ट सब कुछ प्रभु मुझे दे दो, और भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया है। कल्पना कर सकते हैं इसकी, देना, अगर कोई एक चीज बोले कि शेरविंद माता जी से हम क्या सीखते हैं, कम से कम मेरे व्यक्तिगत की प्रेम क्या होता है, देना, टू गिव टू गिव टू गिव। घंटों माँ, पूरे दिन उनकी दिनचर्या देखिए, हम सबके लिए, मनुष्यों के लिए, किसी से मिलना है, किसी को कोई नाम देना है, हम लोगों ने सुनी इतनी सुंदर कहानी, अनेकों अनेकों कार्ड ब्लेसिंग्स, खड़े होकर के एक बहुत बार तो उनके पांव फूल जाते थे, और चंपक लाल जी उसे कहते, माँ थोड़ी देर आप विश्राम कर लीजिए, आपके पांव सूज गए हैं। माँ बताती हैं, चुप रहती हैं, फिर हंस के कहती हैं, लेकिन मैं इसी के लिए आई हूँ, आई हैव कम फॉर दिस, इसी के लिए आई हूँ। किसी भी अवस्था में केवल देना, कोई अपेक्षा नहीं। जब वो रूपांतरण की प्रोसेस में बहुत पेनफुल, क्योंकि मानव देह तो स्वीकार नहीं करता है ना, वो सुपर माइंड को, ये तो हम लोग बहुत आराम से बोलते हैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सुपर माइंड मतलब करोड़ों सूर्यों का तेज है उसके अंदर, सृष्टि करता है, और जड़ तत्व तो मतलब जिसके अंदर सब कुछ विलुप्त हो गया है, सारा प्रकाश ज्ञान जो भी है मनुष्य के अंदर, थोड़ा बहुत लैम्प। अब लैम्प अगर सूर्य के साथ मिलेगा तो क्या उसकी दशा होगी? ना लैम्प रहेगा ना उसका प्रकाश रहेगा, मर्च हो जाएगा। लेकिन वो तो नहीं है रूपांतरण, वो तो वैनिशिंग इन द लाइट है। तो वो चाह रही है कि वो परम शक्ति परम तेज शरीर से जुड़ते 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 धीरे धीरे वो मोल्ड हो जाए। तो बहुत पीड़ा होती थी उसमें, क्योंकि जैसे आप सोचिए, आप सूर्य के पास चले जाइए, क्या महसूस होगा? दूर से तो ठीक लगता है, सूरज, सूरज पर ऐसे लिखने बहुत अच्छा है, सूरज जीवन देता है, सूरज के कारण सब कुछ है, ऋतुएं बदलती हैं, सब सूरज ही करता है, क्योंकि अच्छा, इतना अच्छा है सूरज, थोड़ा सा सूरज हम घर में ला के उसको स्थापित करें, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मनुष्य की क्या हालत होती है। उस तेज को, उस प्रकाश को, उस तीव्रता को अपने शरीर पर धारण कर रही थी। क्यों? वो उनके शरीर में आएगा, फिर उनके शरीर से बाकी सबको वितरित होता जाएगा। तो जो डिसाइपल है उनसे पूछता है, माँ ये आप जो कर रहे हो इसमें इतना पीड़ित, इतना ही पीड़ा होती है, ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये जोक नहीं है, हम लोग बहुत बार ये बात ऐसे कैजुअली बोलते हैं, रूपांतरण, रूपांतरण मतलब हमारे अंदर वो सब कुछ रेजिस्ट करता है, नहीं चाहता है, शरीर तो बिल्कुल नहीं चाहता है, जड़ तत्व, तो वही सीताराम जी की कहानी। तो वो जब देखता है आपको तो इतनी पीड़ा हो रही है, कौन करेगा ये सब? माँ कहती, तुमको कौन कह रहा है ये सब करने के लिए? मतलब, तो माँ कहती, तुम्हें शेरविंद ने बताया नहीं है, स्मरण नहीं है, उन्होंने कहा है ये मेरे अंदर होना है, तो माँ फिर हमको क्या करना है? मेरे प्रति खुले रहना है,
एक्सट्रीमली पेनफुल प्रोसेस. जब आप पढ़ेंगे या उन लोगों के संस्मरण दादा इस जो बताते हैं, जैसे जैसे उसकी जो प्रेशर बढ़ता था सुपर माइंड का उनका शरीर के ऊपर, तभी तो शेरविन ने कहा कि मेरा शरीर तैयार नहीं है इसके लिए, मैं विड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा शरीर ज्यादा तैयार है. शरीर के अंदर सत्य की चेतना ऐसे काम करे कि मैटर के अंदर, बॉडी के अंदर कोई फॉल्स मूवमेंट ना हो. अभी तो कितने सारे मूवमेंट है जो हमारे मैटर, हमारा जो शरीर है वो तो डिजायर से चलता है. अंदर में कहीं पर आप डिजायर हटा भी दें, शरीर तो डिजायर से चलता है ऑटोमेटिकली. बहुत तरह के डिजायर. माँ से किसी ने कहा कि आनंद आनंद हमारे शरीर में, आनंद की देवी आई थी, क्यों चली गई? आनंद और प्रेम एक ही सत्य के दो स्वरूप हैं. जब आनंद अपने आप में वही है तो वो आनंद ऑफ वननेस है. जब आनंद सृष्टि में अपने को बिखेर देता है तो आनंद ऑफ मल्टीप्लिसिटी है. लेकिन वही आनंद जब सारी सृष्टि को अपनी ओर खींचने लगता है तो प्रेम बनता है. आनंद और प्रेम में यही है, दोनों एक ही हैं, एक ही सत्य के दो. जब आनंद सृष्टि के अंदर अपने को डाल देता है पूरी तरह, उसको खींच कर बाहर लाने के लिए, तो आनंद प्रेम बन जाता है. तो वो उसको अपने अंदर माँ शेरविन धारण करते हैं. शेरविन अपना शरीर इसलिए छोड़ते हैं. जब किसी ने पूछा, चंपक वो निरुद्धा उनसे पूछते हैं कि आप को हमने देखा हजारों बार लोगों को ठीक कर देते बीमारी से, आपको ये तकलीफ जो है उससे क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं अपने आप को? आई होप यू आर अप्लाइंग योर स्पिरिचुअल फोर्स. तो शेरविन कहते हैं नो, नहीं, मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर को ठीक करने में नहीं लगा रहा. तो पूछते हैं वाई, तो कहते हैं यू कैनॉट अंडरस्टैंड. माता जी बताती बाद में, और इसी के साथ हम लोग संक्षेप में समाप्त करेंगे. माता जी कहती हैं कि 46-47 में वो तो यही कर रहे थे सुपर माइंड उतर जाए पूरा, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये मनुष्य तैयार नहीं है, माँ कहती है मैन वॉज रिफ्यूजिंग इट. क्या कर रहे थे मैन? बहुत खुश हैं, माँ हैं, शिवरबिंदु हैं, जीवन है, अपना जीवन जैसे चलना है चलने दो, मज़ा आ रहा है. ये मानव स्वभाव है ना, प्रकृति. और वो माँ शेरविंद की उपस्थिति, आप सोचिए कितना बड़ा स्टेबिलिटी फील, सिक्योरिटी है. तो माँ कहती है कि जब शेरविंद ने ये देखा कि सब तो निश्चेतना को ही पसंद कर रहे हैं, वैसे ठीक है कि हाँ माँ है, शेरविंद है, प्रणाम है, दर्शन है, वो सब ठीक है, लेकिन जुड़े हुए हैं, निश्चेतना का बहुत प्रभाव है. तो माँ कहती है ही डिड नॉट ब्लेम मैन. ये नहीं बोला है ही मनुष्य ऐसे, कर्म है इनके, भगवान ने तो सब अच्छा करना चाहते हैं मनुष्य, ये नहीं बोला. उन्होंने देखा मनुष्य तैयार नहीं है तो वो निश्चेतना में चले गए. वह चीज जिसने मनुष्य को जकड़ रखा है, माँ कहती ही डिड नॉट ब्लेम मैन, ही ब्लेम द इनकॉन्शियंस. और वहां पर वो उतरते चले गए ताकि वहां पर वो सुपर माइंड को एस्टेब्लिश कर दें. तो दोनों तरफ से प्रेशर पड़े मनुष्य के ऊपर. तो वो हम देखते हैं कि शेरविन का जो, जिसको हम कहते हैं 5 दिसंबर 1950, और लोग हैं जो ऐसे पूछते हैं कि अच्छा शेरविन तो स्वयं, उनका रूपांतरण नहीं हुआ तो हम लोगों का, इसीलिए ताकि हम लोगों का हो सके. माँ कहते हैं कि ही गेव हिज बॉडी इन ए सुप्रीम स्ट्रेटेजिक सेक्रीफाइस टू हेसन द कलेक्टिव रियलाइजेशन. तो ये सब कुछ जो उन्होंने किया केवल इसलिए कि आने वाला कल हम सबका, केवल कुछ आश्रम में बैठे हुए लोग या यहाँ कुछ लोग जो जमा हुए हैं उनकी बात नहीं, धरती का भविष्य, सुंदर भविष्य सुनिश्चित हो सके. और उसी का परिणाम उनके त्याग और तपस्या का था जो सुपर माइंड का मैनिफेस्टेशन होता है 29 फरवरी. माँ वहाँ भी नहीं रुकती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि यह सत्य चेतना ऑपरेट कर रही है. और मनुष्य चेतना, जब सत्य चेतना ऑपरेट करेगी तो मिथ्यात्व को जगह जगह पर उसको मार पड़ेगी. वो हम देख रहे हैं, अब हो रहा है और अधिक होने वाला है. अभी तो ये तो अभी ट्रेलर चल रहा है भगवान का, क्योंकि ये मनुष्य तो सत्य चेतना कार्य करेगी तो माँ उसको कुशन होना चाहिए मनुष्य को, कहती हैं. तो वो 62 में डिवाइन लव का मैनिफेस्टेशन करती हैं. तब वो कहती हैं अब ये काम हो गया, पूरा हो गया, क्योंकि वो जानती हैं कि ये सत्य चेतना जैसे ऑपरेट कर रही है, ये तो पूरी मिथ्यात्व को जड़ से निकालेगी
और मनुष्य घबरा जाएगा, तो डिवाइन लव को बैकग्राउंड में स्थापित करती हैं ताकि मनुष्य गिरे तो बाउंस बैक करे। अनंत है ये कहानी माँ श्री अरविंद के प्रेम की, केवल परस्पर प्रेम नहीं बल्कि हम सब पृथ्वी को उनका जो प्रेम है। अंत में रामायण की कहानी से हम लोगों ने शुरू किया था, रामायण राम और सीता के प्रेम की ही कहानी नहीं है, रामायण राम और सीता भगवान विष्णु और लक्ष्मी के रावण रूपी असुर से प्रेम की भी कहानी है। आखिर उनका अवतरण क्यों हुआ था? वापस ले जाने के लिए। रावण तो भूल गया था लेकिन उनको याद था, उनको अपनी प्रॉमिस याद थी कि तो कहीं भी चला जा हम नहीं भूलेंगे। तो हम सब ने एक अवस्था में, भगवान ने हमको ऐसा प्रॉमिस दिया है, फिर यहाँ आके हम सब छोटे 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 बड़े रावण थोड़े बहुत राम मिक्स हो गया है सारा हमारे अंदर, हम भूल गए हैं। रावण कौन है जो राम को भुला देता है, भगवान को भुला देता है? और कितने हमारे क्षण हैं, देखिए हम स्वयं को ही याद रखते हैं तो भगवान कहाँ से याद रखेंगे। ईगो तो इतनी ज़्यादा कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या दिया। माँ कहती है अगर तुम ये याद रखोगे तुमने भगवान को क्या दिया और क्या किया, तो भगवान को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका अर्थ है तुमने जो भी किया और जो भी दिया वो भगवान को नहीं दिया, अपने अहंकार को और वैनिटी को दिया। तो हम लोग का जीवन तो ऐसा है। तो माँ लेकिन स्मरण रखती हैं, श्री अरविंद स्मरण रखते हैं, और इसलिए वो धरती पर आए ताकि हम सबको वापस कन्वर्ट करके, रूपांतरित करके। रूपांतरण के पहले कन्वर्शन, कन्वर्शन क्या है, हमारी चेतना भगवत उन्मुख हो जाए। जब तक वो नहीं होता तो रूपांतरण नहीं होगा, हमारा प्राण मन शरीर सब कुछ भगवत उन्मुख हो जाए। और तब जब ऐसा होगा तो फिर रूपांतरण करके वापस एक नवीन सृष्टि, वो जो हम सुपर माइंड में हम सब एक छोटी छोटी सोल्स, चैत्य सत्ता तो नहीं है वहाँ पे, वहाँ केंद्रीय सत्ता जीवात्मा और भगवान परस्पर है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन है सावित्री में, हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन, वह अब यहाँ भी स्थापित हो जाए ताकि फिर से भगवान को वृंदावन छोड़कर जाना नहीं पड़े। और वह ट्रेजेडी कि भगवान अवतरण लेके चले जाते हैं, इससे बड़ी कोई ट्रेजेडी संसार के लिए नहीं है। माँ कहती हैं देयर इज नो ग्रेटर ट्रेजेडी इन दैट, कि डिवाइन हैज़ टू गो बैक। वो आते ही हैं जड़ को रूपांतरित करके सदैव रहने के लिए, बट ही हैज़ टू गो बैक बिकॉज मैन इज नॉट रेडी, मैटर इज नॉट रेडी। किंतु अब इस बार ये एक निर्णायक युद्ध है, युद्ध हमको प्रतीत होता है भगवान की ओर से प्रेम है, ये एक निर्णायक युद्ध है, डिसाइसिव युद्ध है। और इस युद्ध में हमको केवल एक चीज करनी है, माँ को कहना है यस। माँ कहती तुम रूपांतरण स्वीकार, यस कहती तुम्हारे हृदय में अगर यस है बाकी सब मैं देख लूँगी। और उनके देखने के अद्भुत तरीके हैं। तो ये है, ये अनंत कहानी है, समय की सीमा है। माँ श्री अरविंद के प्रेम के प्रति हम लोग खुलें और हमारा हृदय सदा सदा कृतज्ञता से भरा रहे। 4 अप्रैल है, एक छोटी सी और एक स्टोरी, 29 मार्च को माँ यहाँ आती हैं, श्री अरविंद से मिलने के लिए जाती हैं, तो एक किसी से पूछती हैं कहाँ रहते हैं। अब मैं तो नाम नहीं ले सकता हूँ, माँ ने क्या कहा, हम लोग तो श्री अरविंद ही कहेंगे। तो एक व्यक्ति ने बताया वहाँ पॉइंट किया था, तो थ्रू आउट माँ उस पर, माँ का उस पर एक बहुत विशेष अनुग्रह था। और वो बड़ा अति साधारण व्यक्ति था, मतलब चेतना में भी बड़ा क्रूड सा। चंपकलाल जी एक बार कहते हैं आप इस पर इतना स्नेह इतना प्रेम क्यों डालती हैं, ये तो आश्रमाइंड भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जब आता है मिलने आप देखते हैं कि आप बहुत स्नेह करती हैं। तो कहती है जब मैं यहाँ आई थी आश्रम में, आश्रम तो नहीं था पांडिचेरी, तो मैंने इससे पूछा था कि श्री अरविंद का घर कहाँ है, इसने मुझे पॉइंट किया था, इसलिए मैं इसके प्रति सदैव कृतज्ञ हूँ। यदि केवल पथ को पॉइंट करने के लिए, श्री अरविंद की तरफ पॉइंट करने के लिए वो इतना कृतज्ञ रह सकती हैं, तो हम लोगों को तो वो ना केवल पथ दिखा रही हैं, पथ पर चलना सिखा रही हैं, गोदी में लेकर जा रही हैं, तो हम लोग तो अपनी एक एक श्वास से उनके ऋणी हैं, एक एक कण कण में उनके ऋणी हैं, एक एक कोशिका से उनके ऋणी हैं। और आने वाले जितने भी जन्म हों, अगर हम
पहली सांस से आखिरी सांस तक उनके ऋणी रहे, तो भी ये ऋण चुका नहीं सकेंगे। और अच्छा है कि हम ये ऋण नहीं चुकाएं, ताकि हम उनसे उनके ऋणी बनकर सदैव जुड़े रहें। जय मनी।